बीती रात मध्य प्रदेश में बड़ी घटना घटित हुई है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यालय सतपुड़ा भवन में आग लग गई। आग इतनी भीषण लगी कि राजधानी भोपाल की तमाम फायर ब्रिगेड रात भर आग पर काबू नहीं पा सकी। इस भीषण आग में सतपुड़ा भवन में शासन प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइलें जलकर खाक हो गई हैं। घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्षी ओर से पूर्व मंत्री एवं विधायक जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ जबलपुर में प्रियंका गांधी जी ने सभा को संबोधित करते हुए सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोली और उसके तुरंत बाद भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने के लिए सरकार की विदाई के पहले सतपुड़ा भवन में आग लग जाना इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने व्यापम घोटाला, महाकाल कॉरिडोर में घोटाला सहित अन्य घोटाले किए हैं। वहीं दूसरी ओर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि महत्वपूर्ण दस्तावेज, पेन ड्राइव सहित अन्य संसाधनों में सुरक्षित रहते हैं। आज चुनावी कैंपेन की शुरुआत आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने की। उन्होंने प्रदेश और देश के सामने कहा कि ये सरकार घोटालों की सरकार है। घोटाला और पर्याय सरकार एक दूसरे के पर्याय है। मध्य प्रदेश सरकार और घोटाला एक दूसरे के पर्याय है। आप देखो कि इन्होंने सीएस घोटाला किया, इन्होंने अभी जो महाकाल लोक बना है उसका घोटाला किया, इन्होंने व्यापम घोटाला किया, इन्होंने कृषि मंत्रालय में घोटाला किया, इन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय में घोटाला किया। ऐसे सैकड़ों घोटालों की लिस्ट है। तो ये सरकार घोटालों के पर्याय, जैसे ही प्रियंका जी ने कहा, ये 50% कमीशन लेने वाली सरकार ने उसके एविडेंस को जला दिया। सतपुड़ा भवन में पहली बार आग नहीं लगी, इससे पहले 2018 में सितंबर में लगी थी, तब सरकार जाने वाली थी और हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले भी इन्होंने आग लगाई थी। अब जितने एग्जैक्ट पोल है वो आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, फिर आग लगा दी। ये आग 50% कमीशन के एविडेंस को मिटाने की आग, ये भी एक घोटाला है। हमारी सरकार आएगी तो इसकी जांच करेगी, न्यायिक जांच करेगी। इससे पहले जितनी आग लगी आज तक शिवराज जी ने किसी को दोषी नहीं ठहराया। किसी का किस कारण से लगी वो नहीं बताया, क्या क्या नुकसान हुआ, कितने कागज जले, कितना मध्य प्रदेश का भविष्य स्वाह हो गया, आज तक हजारों बार प्रश्न पूछने के बाद भी नहीं बताया। अब भी नहीं बताएंगे, कारण भी नहीं बताएंगे, दोषियों को भी नहीं बताएंगे। हमारी सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, जैसे ही आएगी सबसे पहले सतपुड़ा भवन की आग में जलने वाले 50% के कागजातों की हम जांच करेंगे। जाना, नष्ट हो जाना ऐसा नहीं, कई कई स्थान पर हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, चिपों के अंदर फाइलें रहती है। मेहनत लगेगी पर सभी क्रिएट हो जाएंगी, एक बात। दूसरी बात जो है उसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और 3 दिन के अंदर इस उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पर जो दस्तावेज की बात है वो सारे के सारे रिक्रिएट हो जाएंगे, यहाँ से लेके केंद्र तक, क्योंकि केंद्र परिवर्तित योजनाएं भी रहती हैं, उन केंद्र परिवर्तित योजनाओं दिल्ली तक उसका डाटा रहता है। प्रारंभिक कारण वही है, स्टोर के रूप में शॉर्ट सर्किट और एसी के अंदर जो आग लगी। देखो मित्रों, कांग्रेस की आप चर्चा कर रहे हैं, ये कांग्रेस जो है ना, वह सहायता में तो कहीं मिली नहीं होगी, इसमें भी अवसर तलाश है। 4,000 कर्मचारी अंदर है, अब इसमें कैसे आग लग जाएगी, कौन मिट्टी का तेल पेट्रोल ले जाएगा, ये सोचने वाली बात है। मेरे को तरस आता है इनकी बुद्धि पर कि वहाँ पर इस तरह का कोई फाइलों का सिस्टम भी नहीं था, इस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं। ये निंदा के काबिल आरोप है, कोई ना तो वहाँ परचेजिंग की फाइलें रहती हैं, ना टेंडर की फाइलें रहती हैं। और आप प्रयास देखिए मुख्यमंत्री जी, एयरफोर्स तैयार। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र मालिक के साथ हेमंत मालिक की रिपोर्ट।